हे गाइस, वेलकम टू द फिजिकल एजुकेटर। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 9, जो कि एक नया चैप्टर है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर के कंटेंट्स क्या है। तो चैप्टर के कंटेंट्स है, फर्स्ट डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, सेकेंड डेफिनेशन एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, थर्ड डिवेलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट, और लास्ट है एडोलसेंट प्रॉब्लम एंड देयर मैनेजमेंट। तो ये सारे के सारे टॉपिक हम कवर करेंगे बारी बारी से। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं पार्ट 1, डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले हमें साइकोलॉजी का मतलब समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो मोटा मोटा देखो भाई, सबको आइडिया है ही कि साइकोलॉजी मतलब कुछ ना कुछ ब्रेन वाली बातें, ब्रेन से रिलेटेड है ना, फोटोज़ वोटोज़ भी ऐसी आने लग जाती है। लेकिन लिटरली हम अगर मतलब समझाते हैं तो साइकोलॉजी क्या है, स्टडी करना अपने सोल को। ठीक है, अपनी आत्मा को स्टडी करना। अब आत्मा को स्टडी करना भूतों के नहीं पढ़ना, हमें स्टडी करनी है ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, कि एक इंसान क्या सोच सकता है, कैसा बिहेव कर सकता है एक सर्टेन पॉइंट पे, एक सर्टेन एक्शन को लेके, एक सर्टेन चीज़ को लेके। हमें समझना है ह्यूमन रिलेशन को। जैसे अगर मैं बात करूँ, घर लेट आओगे तो मम्मी चप्पल मारेगी, तो ये मैंने बिहेवियर समझ रखा है कि हाँ लेट आने पर चप्पल पड़ेगी, तो ये है ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, हम मुझे पता है अपनी मम्मी का बिहेवियर कि चप्पल पड़ेगी। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन। तो हम बात करेंगे यहाँ पे साइकोलॉजी की नहीं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। ठीक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सन एंड देयर बिहेवियर इन स्पोर्ट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हमें स्टडी करना है पर्सन को, हमें स्टडी करना है उनके बिहेवियर को, लेकिन केवल और केवल स्पोर्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि वो पर्टिकुलरली गेम को लेके क्या स्ट्रैटेजीज बनानी है, कैसे गेम सिचुएशंस में से खुद को निकालना है, कैसे टफ सिचुएशन को फेस करना है, कैसे अच्छे सिचुएशन में खुद को खुश भी करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो वो आता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर। साथ ही साथ हम पढ़ते हैं इसके अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। ठीक है, कि पहले तो हमने पढ़ा कि बिहेवियर क्या होता है, मैंने बोला कि अगर टफ सिचुएशन होती है तो लोग टेंस हो जाते हैं, एक एथलीट टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं उस टेंस वाली सिचुएशन को कैसे काम कर सकता हूँ, तो वो मैं सीखूंगा और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करूँगा। तो ये सारा कुछ कवर होता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी की। तो अगर डेफिनेशन के बारे में बात करूँ तो डेफिनेशन है इसकी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी एट ऑल लेवल ऑफ स्किल इम्प्रूवमेंट। यानी जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उनको अप्लाई करना, उनको लगाना कहाँ पे, स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्टिविटी में, ताकि उसका स्किल सेट इम्प्रूव हो पाए। ठीक है, तो ये है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ठीक है, आगे बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। इम्पॉर्टेंस क्या है साइकोलॉजी की, तो फर्स्ट है इसके अंदर इट एनहेंस फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़। ठीक है, तो हमारी साइकोलॉजी क्या करती है, हमारी फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाती है। फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ मतलब हमारी स्ट्रेंथ, हमारी स्पीड, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमें मोटिवेट करना, ये सारा का सारा काम है साइकोलॉजी का। देखो एक बात बताओ, मेरी स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, मोटिवेशन, ये सारा कुछ इम्प्रूव कैसे हो सकता है साइकोलॉजी के थ्रू। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, एक साउंड माइंड का बंदा, एक खुश बंदा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा जबकि टेंस्ड और प्रेशर्ड होगा तो। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं हम साइकोलॉजी स्टडी करके। ठीक है, उसको एक न्यू अप्रोच देके। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर बात, असिस्ट टू लर्न मोटर स्किल्स। ठीक है, नई मोटर स्किल्स को सीखने के अंदर, ताकि
उसकी कैपेबिलिटीज और इम्प्रूव हो पाए, जाकि जो भी उसका हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो पाए। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में क्या क्या आता था, याद करो पुराने चैप्टर्स को, तो याद आएगा आपको कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस वाले पार्ट के अंदर आता था हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस, हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ, हमारी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होता है कैसे, अगर हम नई मोटर स्किल्स को सीखेंगे या अपनी मोटर स्किल्स को और ज़्यादा फाइन करेंगे और ज़्यादा अच्छा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर बात, एड्स इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। ठीक है, एक ह्यूमन बिहेवियर को समझना, ठीक है, वो काम है साइकोलॉजी का। ठीक है, तो गेम के अंदर हो, स्पोर्ट्स के अंदर हो, तो वो एक टफ सिचुएशन में कोई क्या एक्शन लेगा, ये मैं अगर पहले से गेस करूँगा तो मैं उसके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, अगेन वही मैं अगर बोलूं कि अगर मुझे पता है लेट जाने पे घर पे मम्मी से चप्पल पड़ेगी, तो मैं उसके लिए पहले से ही स्ट्रैटेजी प्लान कर सकता हूँ कि हाँ मैं कैसे क्या करूँ कि वो चप्पल खाने से मैं बच जाऊँ। ठीक है, तो सेम ऐसा ही स्पोर्ट्स में, अगर मुझे पता है कि एक एथलीट, मान लो अगर एक UFC की फाइट चल रही है, मुझे पता है कि वो एक सर्टेन मूव को लेके बहुत ज़्यादा बाउंडेड है, कि वही ज़्यादातर वही किक ही मारता है, तो मैं उसके लिए अगले किक के लिए स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। तो मुझे ह्यूमन बिहेवियर समझना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे स्पोर्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आती है बात इसके अंदर, हेल्प इन कंट्रोलिंग इमोशंस। एक एथलीट अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रखेगा तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा खेलना। ठीक है, एक कंट्रोल्ड इमोशंस के साथ एक काम पर्सन ज़्यादा साउंड डिसीजंस लेगा और ज़्यादा अच्छे एक्शंस कर पाएगा। ठीक है, तो एक एथलीट को हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल्ड रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रिपेयर एथलीट साइकोलॉजिकली फॉर कॉम्पिटिशन। अच्छा, एक चीज़ सोचना, कभी याद करो अपना फर्स्ट टाइम जब आप स्टेज पे गए हो और परफॉर्म किया हो, या अगर कोई एथलीट है आप सब में से तो अपने एक्सपीरियंस को याद करो जब आपने फर्स्ट टूर्नामेंट खेला हो। मुझे अपना एक्सपीरियंस याद है, मैं टाइकोंडो प्लेयर हूँ, मैंने जब फर्स्ट टाइम अपना टूर्नामेंट खेला था तो मुझे बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन रश वाली फीलिंग हुई थी। ठीक है, कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगना, क्योंकि मैं उस टाइम पे साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं था। ठीक है, जब मैंने लगातार कॉम्पिटिशन्स खेले और मैं इम्प्रूव हुआ, मैं और ज़्यादा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होता गया। ठीक है, अब मुझे खेलने में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, अब मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो एक एथलीट का साइकोलॉजिकली वो जितना स्ट्रांग होगा, वो उतना ज़्यादा प्रेशराइज कर पाएगा आगे वाले को भी, और उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा अपने गेम के अंदर, अपने टूर्नामेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, सपोर्ट्स इमोशनल नीड ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, एक एथलीट किस कंडीशन से गुजर रहा है, किस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, किस कंडीशन से गुजर रहा है, उन सबको समझना, ठीक है, वो है साइकोलॉजी का काम। ठीक है, और अगर वो किसी परेशानी में कहीं से टेंस्ड है तो उन परेशानियों का एक सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, उसको इमोशनल सपोर्ट देना। ठीक है, तो ये सारा काम है हमारी साइकोलॉजी का। ठीक है, साइकोलॉजी बेशक से डायरेक्ट इम्पैक्ट ना डालता हो गेम पे, लेकिन वो इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है एक एथलीट को अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, क्योंकि एक साउंड माइंड का हैप्पी एथलीट अच्छा परफॉर्म करेगा हमेशा, बजाय के टेंस्ड वाले से। ओके, तो ये था सब कुछ इस टॉपिक के अंदर। मुझे बताओ अपने ओपिनियन, डू सराउंडिंग इन्फ्लुएंसेस एंड एथलीट्स परफॉर्मेंस। क्या आपके आसपास का कैसा सराउंडिंग है वो एक एथलीट के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, हाँ या ना, और कर सकता है तो रीज़न बताइए। ठीक है, तो यह है आपका काम, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगा इसका पार्ट 2। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच।